अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, बाहर की मौसम आमद आमद है, तो इस बाहर के मौसम के निस्बत जो है कराची प्रेस क्लब ने मिलाकर जो है 11 साल के बाद भी जो है फूलों की नुमाइश का इनकार कर दिया है। कराची प्रेस क्लब को हमेशा ही सलाह जाता है, क्योंकि कराची प्रेस क्लब ने हमेशा ही जो है ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो अपने मेम्बरान के लिए जो तारीखी जो है इनिशिएटिव होते हैं। जिस तरीके से कराची प्रेस क्लब ने स्टूडियो कायम किया, उसके अलावा जो है जिम कायम किया और दीगर कई सहूलियात जो है कराची प्रेस क्लब को सिला जाता है। आज जो है कराची प्रेस क्लब ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूलों की नुमाइश का इनकार कर दिया है। आज और कल जो है फूलों की नुमाइश जारी रहेगी, क्योंकि 12 और 13 पे ये जो है नुमाइश जारी रहेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं खूबसूरत जो है फूल कराची प्रेस क्लब की जो पार्किंग एरिया वहाँ सजा दिए गए। ये 2 दिन की जो है नुमाइश कराची प्रेस क्लब में जारी रहेगी, और आज और कल। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है मुर्तज़ा आप यहाँ पे करेंगे इफ्तिताह इस पूरी नुमाइश का, फूलों की नुमाइश का। वैसे तो कराची प्रेस क्लब के अलावा पूरे शहर में भी जो है जैसे ही बाहर आता है तो मुख्तलिफ पार्क्स में भी जो है फूलों की नुमाइश शुरू होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब में जो है जो नुमाइश की जा रही है, हम वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे फूलों की जो है खूबसूरत जो है फूल यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ फैमिलीज़ हैं, उनसे भी बात करेंगे, मुर्ज़ा बाब आएंगे उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बहुत खूबसूरत, बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। अच्छा, प्रेस क्लब में ऐसा नहीं, पहली दफ़ा जो बाहर जब आती है तो फूल देख के सुबह सुबह इंसान को ताज़गी नहीं महसूस होती? बिल्कुल बिल्कुल, फूल खुशबू ये तो होती है ना इससे चीज़ें, तो मुझे तो बहुत अच्छा, मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुई। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली दफ़ा जो है कराची प्रेस क्लब में 11 साल के बाद मिलाकर नुमाइश की जा रही है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की एग्जीबिशन होती रहनी चाहिए ताकि एक अच्छा माहौल भी लगता है, लोग इंजॉय करते हैं इस तरह की एग्जीबिशन से। और वैसे भी सीज़न होता है और लोगों को, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती फ्लावर्स के बारे में जितनी टाइप्स हैं हमारे पास, उससे भी लोगों को उस हवाले से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, यहाँ प्रेस क्लब में मुख्तलिफ फूल सजाए गए हैं, उसमें आपको कौन सा फूल ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे अच्छी जो पीछे लगे हुए ना कलरफुल, वो बहुत अच्छे लगे। अच्छा, पिंक कलर का? जी। अच्छा, लड़कियों का कलर भी पिंक ज़्यादा पसंद? नहीं, ये थोड़े मतलब नॉर्मली हमें दिखते नहीं है ना, इस वजह से थोड़े से यूनिक और कलरफुल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। बाकी ये मैरी गोल्ड वगैरह तो कॉमन है, ये थोड़े यूनिक टाइप। गुलाब के फूल भी रखे गए वहाँ पे? वो मैंने नहीं देखे, खैर गुलाब की तो बात ही अलग है, वो तो लगते हैं। अच्छा, बट ये थोड़े इंग्लिश फ्लावर्स हैं जो कि हमें नॉर्मली नहीं दिखते नर्सरीज वगैरह में, उस हवाले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह की एग्जीबिशन हर साल होनी चाहिए, कि बाहर के मौसम में तो फ्लावर्स की वैसे ही बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होती है, तो उस हवाले से बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगती है। मतलब ये कहूँगी नए पाकिस्तान में बहुत कुछ, जो कुछ नया हुआ अब तक तो अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रेस क्लब में ये बहुत अच्छा हुआ है। उसके अंदर पहली दफ़ा लगा है सब कुछ, इसके अंदर तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। ज़्यादा फूल तो हर एक को पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन हर एक को होते हैं। और इस चीज़ की इब्तदा हुई है, बहुत सी चीज़ें प्रेस क्लब में नई होती जा रही हैं, ये बहुत अच्छा इस वक्त हुआ है। लोग ज़रा फूलों को ही देख कर खुश हो जाएंगे, वैसे खुश नहीं हो रहा, थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो रहा है कि महंगाई इतनी आई है तो सीजनिंग के फूल लगा दिए गए यहाँ पर। उसके अंदर हो सकता है मुर्तज़ा साहब है ना कुछ यहाँ पे दे भी दें फूल वगैरह, हर कलरफुल फूल बहुत खूबसूरत लगेंगे। कुछ लेके जाएंगे? नहीं नहीं, दे भी देंगे, वो पार्टी दूसरी है ना, सारा ना सब डिपेंड करता है उसके अंदर, लेकिन अच्छा लग रहा है उसके अंदर साफ़ सुथरा। अगर इस तरीके से होते रहे ना हमारे शहर के अंदर भी, तो जो शहर की गंदगी है ना वो ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगी। कि कोई आ रहा है इनॉग्रेशन में ही आते हैं नए नए लोग ना, हुकूमती के लोग, उसके अंदर तो ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रेस क्लब में पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहेंगे, आज जो है कराची प्रेस क्लब को हमेशा जो है अच्छाई का सिला जाता है, तो आज जो है फूलों के जो बाहर की आमद आमद, तो फूल भी कराची प्रेस क्लब में लगाए गए, इस पर क्या कहेंगे? जैसे बाहर की आमद है जैसे पता है आपको, और जश्न बहारा में नए नए फूल खिलते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो हमने भी क्लब के मेम्बरान के लिए, उनके अलहाना के लिए फ्लावर शो का इस्तेमाल किया है। और क्लब में काफ़ी अरसे बाद तकरीबन 10 साल के बाद फ्लावर शो हम कर रहे हैं, और हमने कोशिश की जितने मैक्सिमम जो फूल हैं वो रखें इसमें, और बच्चों को भी खासतौर पर अवेयरनेस दें कि पाकिस्तान में कौन कौन से फूल होते हैं,
तो मेरे ख्याल से इसमें हमने तमाम जो क्लब के मेम्बरान हैं उनकी फैमिलीज को इन्वाइट किया है, और कल खास तौर पर संडे को हमने उनके लिए नाश्ते का भी इहतमाम किया है कि वो संडे को आएँ फैमिली के साथ और नाश्ता भी यहाँ करें और फूलों की नुमाइश भी देखें। अच्छा, यहाँ फूल कौन कौन से आपको पता है सर? यहाँ जो है वो जो एक तो मौसम बाहर के जो फूल होते हैं ना वो रखे हैं, उसके अलावा गुलाब की हमने बहुत ज़्यादा किस्में रखी हैं, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के हैं, उसके अलावा उस जो फूलों के साथ कुछ और मजीद भी जो पौधे होते हैं वो भी हमने रखे हैं। बाहर आई तो फिर से एक बार खिल उठे हैं गुलाब सारे, फिर लेकिन साथ ये भी कहा था अजाब सारे। तो ये इन्हीं अजाबों में से, चूँकि कराची का एक बहुत ही बुरा चेहरा दिखाया जाता है कि जी कराची में बहुत गंदगी है दूसरे शहरों की नस्बत, कचरा बहुत है, बदबू है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत रंग रंग के फूल भी खिलते हैं, उन्हें हमने यकजा किया है, यहाँ खुशबू भी है, ताज़गी भी है और जश्न बहारा है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे कराची प्रेस क्लब ने केएमसी के तावन से इस नुमाइश का एहतमाम किया है। आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इसकी ओपनिंग करेंगे और दो दिन ये नुमाइश जारी रहेगी। कराची प्रेस क्लब की ये रवायत रही है कि अपने मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। पिछले साल हमने मैंगो फेस्टिवल किया था और इसी तरह फैमिली गाला होता है, और अब ये फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। और आप देखिए कि मुख्तलिफ रंगों के फूल एक ताज़गी का एहसास दिला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में हमारे मेंबर्स और उनकी फैमिली यहाँ तशरीफ़ लाएंगे दो दिन के दौरान और यहाँ से एक ताज़गी और खुशबू लेके जाएंगे। आपने ये पूरे प्रेस क्लब में जो फूल सजाए हैं, वैसे तो जो है सरकारी जो अमलदार हैं वो आम तौर पे आम जगहों पे जो है जैसे प्रेस क्लब हैं वहाँ पे हमने कम देखे हैं, लेकिन आपने पहली दफ़ा कराची प्रेस क्लब में ये इनिशिएटिव लिया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? प्रेस क्लब के लोग जो है फ्लावर लवर हैं, स्पेशली जो सहाफ़ी हजरात हैं, प्रेस क्लब की रिक्वेस्ट थी DMC सेंट्रल से कि एक शो ऑर्गेनाइज़ किया जाए। पार्क्स डिपार्टमेंट का माजी है जो फ्लावर शोज के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से, नेचर की आगाही के हवाले से, तो कोशिश की है कि एक डिस्प्ले किया जाए ताकि जो सहाफ़ी हजरात हैं, इन फैमिलीज़ हैं और दीगर लोग हैं इस शो से महजूज हों। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा दीगर आवाम से कि वो यहाँ आएँ और देखें, ये एक बड़ा फ्लावर शो है और कोशिश की है कि लोगों को नेचर से करीब लाया जाए। जी बिल्कुल, ये आपने यहाँ पे जो सदर साहब थे जो कराची प्रेस क्लब, उनकी बातें सुनी। सेक्रेटरी साहब का कहना था कि ये दो दिन जो है एग्जीबिशन रहेगा क्योंकि कराची प्रेस क्लब में 11 साल के बाद फूलों की नुमाइश हो रही है और बड़ा अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हैं, गुलाब के भी फूल हैं, और कल जो है ख़ास तौर पर फैमिलीज़ को नाश्ता कराया जाएगा। और जब भी जो है बाहर की मौसम आता है तो कराची में जो है मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं वहाँ पर भी जो है फूल लगाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब में बिलाकर फूल सजा के जो है रूह को और जो है दिल को सुकून, कोशिश की जा रही है कि दिल को सुकून भी मिले। और इस वक्त हम भी पहुंचे तो मुर्ज़ा वाहब साहब ने यहाँ इफ्तिदा किया और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे फूल देख के, और खुशी भी हो रही है कि कराची प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए ये फूल सजाए गए हैं। जी